नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख ही लिया, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CPET का जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है इस टाइम, कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, इसकी एग्ज़ाम की डेट साथ ही साथ फॉर्म की लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, एक मौका आपको और दिया जा रहा है यहाँ पर फॉर्म भरने का, साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। बात करेंगे कि यदि आप यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री कोर्स, वो भी जैसे BMLT, BRIT, या BPT, इस प्रकार के कई सारे कोर्स हैं जो यूपी के जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी के लिए एग्ज़ाम आपका कराया जाता है CPET के नाम से। यदि आपको UPMS से भी यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है, BMLT, BRIT या BPT, तब भी आपको यही फॉर्म लगाना होगा CPET के नाम से, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम की डेट कितनी कर दी गई है। तो देखिए, जैसे ही आप नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा CPET के नाम से, CPET, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी देखने को यहाँ मिल जाएगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप पैरामेडिकल फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कॉमन पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024, यहाँ से आप अपना फॉर्म और एडमिट कार्ड जो भी आपको डाउनलोड करना है वो यहीं से आप कर सकते हैं। इस टाइम BSc नर्सिंग के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, यदि आप करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए, गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आपके परीक्षा की जो तिथि है वो पहले 23 जून थी, यहाँ पर 23 जून से ये डेट जो इन्होंने यह बदल कर 30 जून अब कर दी है। आपका एग्ज़ाम जो अब होना तय हुआ है वो 30 जून को एग्ज़ाम होगा पैरामेडिकल का यूपी में, और आपके जो फॉर्म की डेट है वो 18/6/2024 कर दी गई, यानी 18 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18/6/2024 कर दी है। तो जिन बच्चों का फॉर्म अप्लाई नहीं है तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्म जो आपका पेपर एंट्रेंस एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, पेपर पैटर्न क्या है, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये इसकी पूरा डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, खुद एक एक करके चीज़ें सारी पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स हैं, तो ये सारे कोर्स हैं, लगभग यहाँ पर 18 कोर्स आपके हैं, 18 कोर्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर है, फिजियोथेरेपी है, ये सारे कोर्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से जो कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को डाल दीजिएगा। पहले यहाँ पर जो फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 10 जून तक थी, अब वो 10 से इन्होंने कितनी कर दी, 18 जून आपकी कर दी है। पेपर 23 जून को होना तय हुआ था, वो अब यहाँ पर 30 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड आपके जो हैं वो 15 जून को आएंगे। ठीक है, आप देखते हैं, अब तो 15 जून को नहीं, इससे आगे ही आपके एडमिट कार्ड की डेट भी ये बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे कि आपका SGPGI है, KGMU है, UPMS लखनऊ है, ये सारे कॉलेज यहाँ पर ऐड है। अब बात कर लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे जिनको नहीं पता होगा पेपर पैटर्न, तो चलिए मैं आपको पेपर पैटर्न भी इसका दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न में टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका OMR सीट पर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा इसका, साथ ही साथ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए, नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, ना ही BSc नर्सिंग में, ना ही पैरा में है। यहाँ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपसे जैसे आपके पास माना कि बायोलॉजी है या मैथ आपके पास सब्जेक्ट है 12th क्लास में, या आपके पास कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25%, यानी कहने का अर्थ है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर जैसे बायोलॉजी आपके पास है तो 50 क्वेश्चन यहाँ बायोलॉजी के आएंगे या मैथ के आएंगे आपसे। साथ ही साथ यहाँ पर केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर इंग्लिश के और जीके के यहाँ पर आपसे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के यहाँ पर आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपसे 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जीके क्वेश्चन हमारे चैनल पर काफ़ी डले हुए हैं, और आपके लिए 14 तारीख के बाद पैरामेडिकल को टारगेट करते हुए मैं क्लासें भी आपके लिए लेके आ रही हूँ, तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप पैरामेडिकल के लिए शानदार क्लासें कर सकें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके की बहुत ही शानदार क्लासें पहले से डली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, और आगे भी आपको लगातार क्लासें मिलेंगी जब तक आपका
30 जून को एग्जाम नहीं हो जाएगा। लगातार आपके लिए मैं मैराथन क्लास लेके आएंगे अब डेली, ठीक है। 14 तारीख के बाद, 14 तारीख को बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, उसके बाद डेली आपके लिए ही क्लासे लाई जाएगी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आई क्लास आपको देखने को मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी जानकारी हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।